अच्छा रहता है और मेडिसिनल वैल्यू भी है इसका ना, वैल्यू भी है लेकिन वाइन का उतना ज्यादा नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका नए व्लॉग में। और जितना खूबसूरत है रास्ता है ना, ये व्लॉग उससे भी खूबसूरत होने वाला है। सो स्टे ट्यून। और मैं जा रहा हूँ पोखरिया बोंग रामदार इको कैंप में, पूरा का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस और लेट्स चेक आउट द बेस्ट ऑफ दार्जिलिंग। ये है सुखिया पोखरी टाउन गाइस और यहाँ से मुझे टैक्सी लेनी पड़ेगी, शेयर टैक्सी पोखरिया बोंग के लिए। और फ्रेंड्स मैं इस कॉटेज में रहने वाला हूँ और ये है रामदाल इको कैंप पोखरिया बोंग दार्जिलिंग। लेट्स एंजॉय। अ बिग थम्स अप फॉर दिस ब्यूटिफुल इंटीरियर्स ऑफ दिस कॉटेज। दोस्तों बहुत ही बढ़िया कॉटेज है और इंटीरियर्स बहुत ही बढ़िया सजाया हुआ है, टू गुड। कॉटेज के बालकनी से जो व्यू मिल रहा है ना दोस्तों, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन, जस्ट वाओ। Look at this gorgeous Himalayan trees, guys. होजो भाई जो यहाँ के ओनर है, उन्होंने मुझे बेस्ट व्यू वाला कॉटेज दिया है। यहाँ से नेपाल के भी माउंटेन्स दिखते हैं और दार्जिलिंग का मिरिक टाउन भी दिखता है। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है इस बालकनी से। जस्ट वेदर थोड़ा अच्छा होना चाहिए तब आपको क्लियर कट व्यू दिखेंगे यहाँ से, टू गुड। और आप दोस्तों ये भी एक कॉटेज है, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। आप मेरे पीछे देख सकते हो पाइन ट्रीज, छोटा सा एक ग्राउंड है। यहाँ पर अगर आप टेंट लगाना चाहते हो, कैंपिंग करना चाहते हो, बॉनफायर करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो तो आप मेरे पीछे जो ग्राउंड देख सकते हो यहाँ पर कर सकते हो। और देखिए क्या मस्त नज़ारा है, टोटली पाइन ट्रीज का फॉरेस्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है आपको यहाँ अगर खुद के आंखों से देखना पड़ेगा। थोड़ा सा फॉगी सा है पाइन ट्रीज के बीच में और मस्त लगता है, मस्त नज़ारा है, ब्यूटीफुल। इट्स लंच टाइम और मुझे जोरों की भूख लगी है दोस्तों। नीचे और ये है रामदाल इको कैंप का रेस्टोरेंट एरिया। सो फ्रेंड्स अभी मैं पहुंचा हूँ रामदाल इको कैंप में और अभी लंच का टाइम है। सो वेज में अभी सब्जी है, साग है, ये ऑप्शन है आपको, वेज का ऑप्शन है, फिर आपका ब्रॉयलर चिकन का ऑप्शन है और लोअर कंट्री चिकन का ऑप्शन है। तीनों का डिफरेंट डिफरेंट प्राइस कैप है, ठीक है। कितने सा मतलब आपके पास कॉटेज है और कितने की कैपेसिटी है अगर एक बड़ा ग्रुप आना चाहे तो? अभी 5 कॉटेज है। ओके, तो कैपेसिटी तो हमारा मैं आपका हमारा 14-15 जन का हो जाएगा। ओके, 15 पीपल। क्या ऊपर में एक पॉइंट है जोर पोखरी बोलते हैं उसको, मीन्स वो एक सैलमनर पॉन्ड है, कंजर्वेशन के लिए बना हुआ है। ओके, वो सूखे पोखरी में है, यहाँ से सूखे 20 मिनट्स और वहाँ से दूसरा 10 मिनट्स 15 मिनट्स लगेगा ऊपर वो पॉन्ड तक जाने के लिए। पॉन्ड का नाम क्या है बोला? जोर पोखरी। जोर पोखरी, हाँ जी। Okay. और वहाँ से फिर आप जा सकते हैं उधर नेपाल मार्केट, पशुपति नगर करके जगह है। ओके, वो पशुपति नगर नेपाल के अंडर रहता है, नेपाल है, प्रॉपर नेपाली है, मतलब यूजुअली आप नेपाल में एंटर कर सकते हैं, नेपाल में ही एंटर कर रही है। ओके, मीन्स इंडिया का चेक पोस्ट और नेपाल का चेक पोस्ट रहता है वहाँ पे। तो घूमने के लिए परमिशन है, जा सकते हैं वहाँ का मार्केट करके देख के, ऐसे घूम भी सकते हैं, शॉपिंग कर रहे हैं शॉपिंग भी कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, और कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स कुछ देना पड़ता है? हाँ, सिर्फ अपना आईडी दिखाना है। आईडी दिखाना है, तब थोड़ा एंट्री करेगा वो घुसने देगा। Okay. और उसके बाद में उधर से निकल के फिर ये मिरिक झील है। Okay. लेक है वहाँ पे। तो वो लेक होके फिर घूम के हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। एक राउंड फुल राउंड हो जाएगा ये, 360 डिग्री का राउंड हो जाएगा। और लोकली यहाँ पे
अभी हम जा रहे हैं आपको ले जा रहे हैं ये यहाँ पे भी यही है सैलमंडर पॉन्ड ही है। ओके और एक व्यू पॉइंट भी है ऊपर पे टिफिन डाड़ा करके। तो बेसिकली वॉज बाई 5 मिनट्स वॉक। ओके पहले यहाँ पर पानी हुआ करता था ऐसा बोलते हैं और एज पर एक मिथोलॉजिकल स्टोरी के स्टोरी सर जी बोल रहे हैं बताइए। वो बेसिकली वो बोलते थे कि यहाँ पर दो हंस का जोड़ी रहता था। हाँ इस तरफ तो किसी ने एक को मार दिया। ओके तो मारने के बाद वो हंस भी चला गया और यहाँ का पानी भी पूरा सूख गया। सूख गया ऐसा बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा सा एक मंदिर जैसा भी करके रखा है वहाँ पर। ओके फ्रेंड्स कैंप के 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे दो पॉइंट है, एक है टिफिन डाड़ा और दूसरा है सैलामेंडर लेक जो आप देख सकते हो। और वही देखने के लिए हम अभी जा रहे हैं और होजो भाई से बातचीत करने में बहुत मज़ा आ रहा है। इसी रास्ते से नीचे गाड़ी का रास्ता हो गया। वो शॉर्टकट तो नीचे नीचे कहाँ से जाता है लोग। ये गाड़ी जाने के लिए ये रास्ता है। ये बेसिकली ब्रिटिश ने ही बनाया है ये। ओके ब्रिटिश लोग जब वो लोग था यहाँ पे। हाँ हाँ तो ये टिफिन डाला भी इसीलिए बनाया है। वहाँ पे ब्रिटिश लोग पूरा घूम के वहाँ जाके लंच करता था इसीलिए नाम पड़ गया टिफिन डाला। टिफिन ठंडी ठंडी हवाएं फ्रेश एयर और बैकग्राउंड में पाइन ट्रीज वाओ। लेक का नाम क्या है? सूखा पोखरी। सूखा पोखरी सैलामेंडर पॉन्ड। वो सैलामेंडर एक टाइप का लिजर्ड होता है क्या? हाँ वो न्यूट ऐसा ही वो। सो फ्रेंड्स एक सैलामेंडर नाम का मतलब एक लिजर्ड टाइप का है जो मुझे लगता है विंटर्स में हाइबरनेशन में जाता है राइट। और फिर रेनी सीजन में एक्टिव होता है ब्रीडिंग के लिए बाहर आता है। सो ये एक्चुअली लेक है वो अभी सूखा हुआ है और इधर एक्चुअली वो बारिश के वक्त ये भर जाता है और ये सैलामेंडर जो लिजर्ड है वो बाहर आता है। एक्चुअली कंजर्वेशन के लिए ये प्रोटेक्टेड एरिया है। और हाँ सो इसका नाम है क्या? हिमालयन सैलामेंडर। हिमालयन सैलामेंडर। और लेक का नाम क्या है? सूखा पोखरी। सूखा पोखरी। तो गाइस आप मेरे पीछे जो पेड़ देख रहे हो उसका बोलते हैं रोडो क्या बोलते हैं सर जी? रोडरैंग। और लोकली उसको क्या बोलते हैं? लोकली ग्रास। ग्रास। सो इसको खाते भी है और देखिए इसको खाते भी है। रियली खा सकते हैं क्या? इसको खा भी सकते हैं डायरेक्टली। और इसको हम मतलब मेडिसिनल वैल्यू भी होता है इधर लोकल मेडिसिन में और इसकी सब्जी भी बनती है। और ये है मेरे पीछे देख रहे हो लेक। ये कंजर्व किया है लेक है सूखा पोखरी और ये कंजर्व किया है हिमालयन सैलामेंडर लिजर्ड के लिए। वो लिजर्ड विंटर्स में हाइबरनेट करता है मतलब ज़मीन के अंदर बोरो करके रहता है। रेनी सीजन में वापस आता है ब्रीडिंग करने के लिए और कंजर्वेशन के लिए ये लेक प्रोटेक्टेड है। जब आप होजो जी बोल रहे थे और पीछे आप पेड़ देख रहे हो जिसका मैंने फूल अभी भी अभी खाया है उसके इस लेक के सराउंडिंग सभी उसी टाइप का पेड़ है। और अभी मार्च में वो सभी खिल जाते हैं और सभी रेड बन जाता है तब एक सीन बहुत ही अच्छा दिखता है इधर। सो ये भी एक चीज़ है आप यहाँ का अगर ये लेक सूखा पोखरी है ना ये और सैलामेंडर लिजर्ड का प्रोटेक्टेड हुआ किया हुआ ये एरिया है आप ये भी देख सकते हो। और ये है होजो राय दोस्तों ओनर ऑफ द रामदाल इको कैंप और वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई एवर मेट इन लाइफ वेरी वेरी फ्रेंडली। और इनको इन डेप्थ नॉलेज है यहाँ की फ्लोरा और फाउना की और बहुत ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली इनसे बात करके इस जगह की।
का वाइन भी बनाता है वो। ओके सो संदकपुर वगैरह में तो फेमस है। सो ये फूल है, उसका नाम अभी भी मैंने आपको बताया था, सर जी आप फिर से बोले इसका नाम। लोकली गुरास और उसको बोलते हैं रेडोडेंड्रन, ऐसा ही कुछ है। मैं भी थोड़ा टोंग ट्विस्ट हो रहा है अभी। सो दोस्तों इसका लोकली वाइन भी बनाते हैं, उसका वाइन को क्या बोलते हैं? गुरास का रक्सी बोलते हैं। गुरास का रक्सी। ओके और टेस्ट अच्छा रहता है? अच्छा रहता है और मेडिसिनल वैल्यू भी है इसका ना? वैल्यू भी है लेकिन वाइन का उतना ज्यादा नहीं। सो मैं भी इसका पेटल्स खा रहा हूँ अभी, थोड़ा सा पंजन सा टेस्ट है लेकिन अच्छा है। गोवा में भी वही प्रॉब्लम है क्योंकि गोवा में बहुत सारे ऐसे वाटरफॉल्स के जैसा है, दारू पीते हैं बॉटल फोड़ देते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। फोड़ना क्यों है ना? ऐसे ठीक है, एक जगह पे रख दो, कोई कलेक्ट करके ले जाएगा, लेकिन फोड़ते हैं तो प्रॉब्लम होता है, दूसरा आता है उसके पांव को लग जाता है। और दूसरा बात क्या है ना, यहाँ पे जानवर होता है ना, रैबिट वगैरह, डियर वगैरह, वाइल्ड बोर, वो सब वो वाइल्ड बोर वगैरह तो ऐसे उनका वो नाक से ही वो करता है ना, तो वो बॉटल वोटल लगने से तो प्रॉब्लम, वैसे ही मर जाएगा वो फिर, क्योंकि उसका इन्फेक्शन हो जाएगा, दवाई तो कुछ करेगा नहीं, रैबिट वगैरह ऐसा सोचता नहीं है ना। अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम टिफिन डाड़ा करके, ये एक व्यू पॉइंट है, अभी तो व्यू नहीं दिखेगा वेदर, ये वेदर और ये थोड़ा अंधेरा भी हो चुका है। और आप टिफिन डाड़ा के बारे में मुझे बोल रहे थे, ब्रिटिशर के बारे में, थोड़ा ऑन कैमरा बोल दीजिए। ये टिफिन डाड़ा मींस टिफिन मतलब लंच ना, तो जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में जो वो लोग यहाँ पे था, हम लोगों को बोलता है कि ये किस तरह से बना कि यहाँ पे वो लोग घूम के आके दिन का लंच 12 o'clock, ये लंच वगैरह यहाँ पे करते हैं। डियर में क्या था ना, बग डियर था, डियर। तो वहाँ यहाँ यहाँ पे ऊपर में जाके अच्छा व्यू के साथ वो लोग लंच करता है, ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश लोग। ओके सो इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया टिफिन डाड़ा। टिफिन डाड़ा, डाड़ा मतलब टॉप ऑफ द हिल या माउंटेन या कुछ भी। ओके और टिफिन मतलब ये रास्ता विस्ता सिर्फ ब्रिटिश लोगों के टाइम से ही है? हाँ जी, उन्हीं लोगों ने बनाया है। इसका अलाइनमेंट देखिए ही मालूम पड़ता है, आराम इतना ऊंचाई भी नहीं है। सो ये व्यूज दोस्तों, और ये रहा कैंप, ये है होम स्टे जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। ब्यूटीफुल प्लेस, बचपन से एक्चुअली स्कूल से वो आदत डालनी चाहिए। वही वेस्ट को वेस्ट मैनेज के सिखाना है ना। तो जापान में भी बच्चे को अगर नीचे खींच दिखा तो पिक करके अपने पॉकेट में डालेगा, और डस्टबिन में डालेगा, वैसा मतलब वो स्कूल से ही शुरू होना चाहिए। बीच में वो आदत नहीं लगती, वो ग्रास रूट लेवल में ही होना चाहिए, होना चाहिए। This is the view from Tiffin Dada, guys. I don't have to say anything. You all just have to come here and experience this. Just beautiful. यहाँ पर बहुत सारे लोकल लोग भी आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। दिस इज अनटच्ड दार्जिलिंग। और फिर मैं वापस चला गया अपने कॉटेज में और थोड़ा रेस्ट किया। देखिए दोस्तों, ऐसा नज़ारा आपको रोज़ रोज़ नहीं मिलता, खासकर हम लोगों के लिए जो वेस्ट से होते हैं। बिल्कुल ही मस्त नज़ारा है। हम कश्मीर के बारे में मोस्टली सोचते हैं पाइन ट्रीज के, जब पाइन ट्रीज हमें याद आता है तो कश्मीर या हिमाचल हमारे दिमाग में पहले आ जाता है, लेकिन यहाँ पर भी दार्जिलिंग में बहुत ही मस्त ट्रीज का फॉरेस्ट है और मस्त सा नज़ारा है, मस्त व्यू है, मुझे तो बहुत पसंद आया यहाँ पर।
और इधर मेरे लेफ्ट साइड में वॉशरूम है, और आपको यहाँ से नीचे आकर इस वीडियो से आपको वॉशरूम में जाना पड़ेगा। और व्यू देखिए दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल है, सो प्रिटी। और यहाँ पर इतने डिफरेंट वैराइटीज़ के बाम्बूस हैं ना, सो आप गिनती कर रह जाओगे, बहुत ही ब्यूटीफुल। अभी कुछ इवनिंग स्नैक और कॉफ़ी के लिए जाते हैं रेस्टोरेंट की तरफ। उनका खुद का ही रेस्टोरेंट है वो, और स्नैक इवनिंग कॉफ़ी इंक्लूडेड है पैकेज में। और फ्रेंड्स, ये किचन कम डाइनिंग एरिया है, बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से डिज़ाइन किया है। इवन टेबल और चेयर जो आप देखेंगे पूरी तरह से नेचर जैसे, मतलब जैसे रॉ मिलते हैं उसी हिसाब से रखकर उन्हें अटैच किया करके फर्नीचर बनाया है। आप देख सकते हो पीछे मेरे, बिल्कुल ही रॉ नेचुरल डिज़ाइन फर्नीचर का। और आप दोस्तों फर्नीचर का डिज़ाइन दे सकते हो, बिल्कुल ही रॉ रखा है जितना हो सके। और ए है बैनी बहुत ही क्यूट है। और इस रेस्टोरेंट के एरिया से भी आपको व्यूज बहुत ही अच्छे मिलेंगे, और कूल क्लाइमेट दार्जिलिंग का, जस्ट मेक इट अ परफेक्ट प्लेस टू रिलैक्स। मस्त कॉफी और पकड़े हो रहे हैं भाई साहब। सो बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है, मेरे पीछे आप जो कॉटेज देख रहे हो मैं उसी में ठहरा हुआ हूँ। और यहाँ के रेट्स भी बहुत इकोनॉमिकल हैं, वेज ब्रॉयलर चिकन या लोकल चिकन, ऐसा तीन कैटेगरी है, जो भी चाहो अपने पसंद से सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने वेज सिलेक्ट किया, अराउंड 1500 पर पर्सन पर नाइट का चार्जेस है। तो मैं आज और कल रुकने वाला हूँ इधर होमस्टे के आसपास। दो जगह है, एक व्यू पॉइंट है और एक सुकिया लेक है, वो आप देख चुके होंगे मेरे स्टडी के वीडियो में। और कल मैं एरिया के नज़दीक के आसपास के इलाके में जाऊँगा, शायद मैं नेपाल बॉर्डर से क्रॉस करके नेपाल भी चला जाऊँ। वो नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के एरिया में है, और आप नेपाल में जा सकते हो, और कुछ देर के बाद आपको रिटर्न आना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मस्त जगह है भाई साहब कैंपिंग के लिए, अगर आप नेपाल भी है तो बहुत ही रोमांटिक जगह है। पाइन ट्रीज से भरा हुआ फॉरेस्ट है, बैम्बू का फॉरेस्ट है, और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही रोमांटिक सी फीलिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है।